बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा होगा। तो रमज़ान के सिलसिले में ही आज हम किचन में मौजूद हैं और आज आपके साथ एक बहुत ही सिंपल और येट सो डिलीशियस रेसिपी आपके साथ शेयर करने। बड़ी थी बनाना उसको आसान है, और कैसे बनती है और क्या चीज़ है ये आप दिखाते हैं, मैं साथ रहिए। तो नाज़रीन, आज हम आपके साथ फ्रूट सैलड या रशियन सैलड की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें हम यूज़ कर रहे हैं जी ग्रेप्स, ग्रीन ग्रेप्स। इसके अलावा हमारे पास बनानास हैं, दो अदद तीन अदद आप ले सकते हैं, और इसके अलावा हमारे पास तीन अदद एप्पल्स हैं, और इसके अलावा हमारे पास ये फ्रूट कॉकटेल्स हैं, मिक्स फ्रूट कॉकटेल है। इसके अलावा ये हमारे पास ऑलपर नेस्ले और ऑलपर की क्रीम है, और इसके साथ ये हमारे पास मायोनीज़ है। तो हम सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो ऑलरेडी हमने बनाना और जो ग्रेप्स हैं वो काट लेंगे। अभी हम सेब काटेंगे। सेब को हम लेट इसलिए काट रहे हैं ताकि क्योंकि ये इनका कलर चेंज हो जाता है अगर हम इनको ओपन एयर में रखेंगे। तो इनको सबसे लास्ट में जैसे ही हम सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लेंगे तो फिर इनको आखिर में काट लेंगे। तो चलते हैं जी प्रोसेस की तरफ। तो ये हमने एक बाउल ले लिया जिसमें हम ये सारी चीज़ें मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको जो पहले हम चीज़ शामिल करेंगे उसमें ये मायोनीज़ है। कोई मसला नहीं है, आराम से इसको शामिल कर लें। तकरीबन इतनी जितनी आपको नज़र आ रही है हमने शामिल कर ली है। बाद में अगर कमी पेशी हुई तो हम इसको ऊपर शामिल कर लेंगे। अब हम इसमें ये क्रीम शामिल करेंगे, दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। कोई ज़रूरत नहीं इसमें आप चीनी डालें, फलानी चीज़ डालें, फलानी चीज़ डालें, बस सिंपल सा हम इसको बनाएंगे। इन दोनों चीज़ों को जिसमें क्रीम और मायोनीज़ को आपने अच्छे तरीके से ऐसे मिक्स कर लेना है। इसे जो है वो सेब काट लेंगे, कोई मसला ही नहीं है। सेब हम ये अभी काट रहे हैं ताकि इनका रंग ना चेंज हो, नॉर्मली रंग चेंज हो जाता है ऐसे ऐसे, मसला ही नहीं है। आप काटनी है और हम इनको फौरी तौर से मिक्स कर लेंगे ताकि इनका जो कलर है वो चेंज ना हो। ऐसे बड़ी आसानी के साथ ऐसे ये मिक्स हो जाएंगे। तो ऐसे हमने कर लिया सेबों को। तो अब हम जनाब इसमें शामिल करते हैं ये हमने ग्रेप्स यानी कि अंगूर थोड़े से काट लिए थे ऐसे, इनको डाल देंगे। ये जनाब दो तीन अदद केले थे, इनको शामिल कर लेंगे, मुश्किल नहीं है। और इसके अलावा हमारे पास ये जो हमने फ्रूट कॉकटेल दिखाया था आपको वो शामिल कर लेंगे, मिक्स फ्रूट कॉकटेल। ठीक है जी, और ये हम सारी चीज़ों को आप अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके आपको मिलते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, हमने अच्छे तरीके से अपना जो फ्रूट सैलड है ये रशियन सैलड है उसको मिक्स कर लिया। क्या ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। तो आखिर में हम इसमें ऊपर किशमिश की किशमिश को स्प्रिंकल कर देंगे, यानी कि रेजन्स को, जो कि इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाएंगे।
और ये ज़बरदस्त सा रशियन सलाद तैयार है। आप खाएं, इंजॉय करें, इस रेसिपी को भी फॉलो करें और तहजीब या राहत को भूल जाएं। तो हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। मैं अपने कैमरामैन को कह रहा हूँ कि ज़रा करीब से इसको दिखाएं आपको। ज़बरदस्त सा रशियन सलाद तैयार है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह सोने के हवाले।